जिसे दंगा कराना होता है वो अपने धर्म की सारी कमियों को छिपाएगा और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा। हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले हिंदू गांव तो नहीं बना पाए आज तक। इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। मुझे लगता है कि ये केवल दंगाई मानसिकता है। और बीजेपी और आरएसएस क्या करता है कि बड़े नेताओं से कभी ये बयान नहीं दिलवाए। वो जब खड़े होंगे तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। वो कहेंगे 140 करोड़ देशवासियों, और अपने नीचे के नेताओं से हमेशा इस तरह के बयान दिलाते रहेंगे ताकि उनका नफरती एजेंडा काम करता रहे। कि इस देश में जातिवाद क्या मुसलमानों ने बनाया? किताब पढ़ने से रोकने के शास्त्र अपने मुसलमानों ने लिखे क्या? सड़क पर चलोगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, ये मुसलमानों ने कोई किया? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? किसी संगठन ने, मुसलमानों के किसी संगठन ने कहा कि जैसे ही संविधान बना वैसे ही उनका लेख आने लगा कि हम संविधान नहीं मानते, हम तिरंगा नहीं फैलाएंगे? ये बुनियादी सवाल आरएसएस और बीजेपी की दक्षिणपंथी मानसिकता का है, जो इस देश में मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश करना चाहता है ताकि हिंदुओं के भीतर जो गैर बराबरी है, जातिवाद है, आर्थिक रूप से विषमता है, उस पर कोई बात ना हो और एक फेक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहे। तो ये है एक तरफ वो विचार है जो समता और न्याय के मूल्यों में यकीन रखता है। वो एक शेर है ना कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी। लेकिन एक दूसरा विचार इस देश में हमेशा से रहा है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता ताकत संसाधन सब कुछ को इकट्ठा रखने देना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, मंडल कमीशन, जन आंदोलन, देश के विश्वविद्यालय, ये सब कोशिश करते हैं कि नहीं बुनियादी सवालों पर बात हो, शिक्षा पर बात हो, रोजगार पर बात हो, ताकि बराबर की दुनिया बन सके, बराबर का समाज बन सके। जिसको इस बराबरी से दिक्कत होती है वो हमेशा उलझाने और नफरत के एजेंडे को सामने लाने के काम करता है ताकि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता ताकत संसाधन सब कुछ रहे और दूसरी तरफ बुनियादी सवालों से ध्यान भटका रहे और नफरत के एजेंडे में सबको एक साथ उलझाए रखा जाए। इसलिए आप देखेंगे कि हर दम ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। जो इस देश का सबसे ज्यादा आबादी जिसको बताया जाता है सो कॉल्ड हिंदू, वो अगर खतरे में है सबसे ज्यादा आबादी वाला, तो फिर खतरे में कब है, कैसे है? सरकार हिंदुओं की चल रही है कथित तौर पर और तमाम लोगों की इस तरह की चल रही है। असल में खतरे में शिक्षा है, कलम है, किताब है, इंसानी सरोकार है, बराबरी का मूल्य है, उसको खतरे में न जनता जान जाए इसलिए झूठ बोला जाता है। पर जैसे आए दिन बाबाओं का चोला उड़ के जो नफरती बयान देते हैं, क्या लगता है इन पर कार्रवाई ना होने की वजह क्या है? देखिए यति नरसिंहानंद के शख्स ने जो है बयान दिया है नबी की शान, मुझे लग रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन इस देश में जब चले, इस देश की नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ाया जाता है, तो राजा राम मोहन राय टाइप का कोई हिंदू ही आया कहा कि सती प्रथा गड़बड़ है, जिसे तुम धर्म मान के पूजते हो उसको बंद करो, महिलाओं को जला दे रहे हो। तो वो क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। कोई महात्मा ज्योतिबा फूले आए तो उन्होंने कहा विधवाओं का विवाह भी होना चाहिए, बाल हत्या से सुसंगोपन गरीब बनाया, अछूत जिसे कह रहे हो उसे शिक्षा भी देनी चाहिए, तुम्हारा धर्म शिक्षा देने से रोकता है। तो कोई फूले पैदा हुआ, कोई अंबेडकर पैदा हुआ, कोई शाहू जी आए, कोई राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, तो धर्म के भीतर जो जो सुधार होना था वो हुआ। अगर इनमें से कोई कहता कि मुसलमानों को सुधारना है तो दंगा होता। हर धर्म के भीतर प्रगतिशील विचार वाले लोग आते हैं, उस धर्म में अगर समय के मुताबिक कोई सुधार होना होता तो वो धर्म वाले लोग करते हैं। जिसे दंगा कराना होता है वो अपने धर्म की सारी कमियों को छिपाएगा और दूसरे के धर्म की टिप्पणी करेगा। मुझे लगता है कि ये केवल दंगाई मानसिकता है। और बीजेपी और आरएसएस क्या करता है कि बड़े नेताओं से कभी ये बयान नहीं दिलवाए। वो जब खड़े होंगे तो कहेंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। वो कहेंगे 140 करोड़ देशवासियों, और अपने नीचे के नेताओं से हमेशा इस तरह के बयान दिलाते रहेंगे ताकि उनका नफरती एजेंडा काम करता रहे। ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। वो संविधान भी कहता है कि जिसको भी उपासना करनी है उसकी आज़ादी इस देश का संविधान करता है। तो पहले अपने धर्म में सुधार करो और दूसरे के धर्म में सुधार करने वाले लोग उसके धर्म के भीतर से आएंगे, वो अपना काम करेंगे। आजकल हो यह रहा है कि जब अपने घर की सफाई करने जाओ तो कोई अचानक खड़ा हो जाए कि देखो पड़ोसी घर गंदा है, तो पड़ोसी घर में झाड़ू लगाने नहीं ना जाओगे, उससे झगड़ा बढ़ेगा। अपने घर का साफ सफाई करो, पड़ोसी अपना घर अपने आप साफ करेगा। ये पूरे देश को नफरत की आग में झोंक करके, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में ले जा करके,
जाति का सवाल जो इस देश का बुनियादी सवाल है, गैर बराबरी का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, मंडल आंदोलन का सवाल, दलितों पर होने वाले अत्याचार का सवाल, हम तो इस देश के लोगों से पूछते हैं कि इस देश में जातिवाद क्या मुसलमानों ने बनाया? किताब पढ़ने से रोकने के शास्त्र अपने मुसलमानों ने लिखे क्या? सड़क पर चलोगे नहीं, पानी पियोगे नहीं, ये मुसलमानों ने कोई किया? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया? किसी संगठन ने, मुसलमानों के किसी संगठन ने कहा कि जैसे ही संविधान बना वैसे ही उनका लेख आने लगा कि हम संविधान नहीं मानते, हम तिरंगा नहीं फैलाएंगे? ये बुनियादी सवाल आरएसएस और बीजेपी की दक्षिणपंथी मानसिकता का है, जो इस देश में मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश करना चाहता है, ताकि हिंदुओं के भीतर जो गैर बराबरी है, जातिवाद है, आर्थिक रूप से विषमता है, उस पर कोई बात ना हो और एक फेक हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहे। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि एक रहो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, आप जाति जनगणना कहकर बांटने के प्रयास कर रहे हैं। नहीं, योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों एक करने की बात आप कर रहे हैं? इसका मतलब बटे हैं, बांटा किसने? अगर सब हिंदू एक थे तो योगी जी को कहने की जरूरत नहीं थी कि एक रहोगे। इसका मतलब कोई बांट रहा है, तो योगी जी बताएं वो कौन बांट रहा है। तो हम पूछेंगे कि जातियां बांट रहे हैं, तो जातियां किसने बनाई? योगी जी, मुसलमानों ने बनाई भारत में आके जाति। बांटा किसने इस देश के हिंदुओं को? इस देश में किसने कहा कि ये भगवान तुम्हारा नहीं है, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम इस सड़क पर नहीं चल सकते, तुम पीठ पर झाड़ू बांधोगे, तुम स्कूल पढ़ने नहीं जाओगे, तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते जिसे जानवर भी पी सकते हैं? ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मुल्क के हर बाशिंदे को कि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू हो गया, जिसने इंसान को इंसान के बराबर और एक कर दिया। इसलिए बांटने वाली ताकतें हिंदुओं की कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। वो जाति व्यवस्था है। योगी जी योगी होने के बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है और वो कहते हैं कि मैं छत्री हूँ, मुझे इस पर गुमान है, भगवान भी मेरी जाति में पैदा होते हैं। तो भगवान की जाति किसने बताई? हनुमान जी को दलित किसने बताया? हर जाति वाले अलग अलग अपना भगवान लिए हैं। तो ये किसी मुसलमान ने तो नहीं किया ना? आपके धर्म के भीतर बंटवारा है जो आपके धर्म के लोगों ने किया, बाकी लोगों को पैर से पैदा करके गुलाम बनाने के लिए। संविधान को हम मानते हैं जो बराबरी की बात करता है, हम संविधानिक विचार को ही इस देश का विचार मानते हैं। वही ये कहते हैं ना कि देखिए जात पात खत्म करने की बात करते हैं लेकिन जाति व्यवस्था लाना चाहते हैं। जैसे कि बीमारी किसी डॉक्टर के पास आप जाइए तो उससे कहिए कि जरा जाँच करो, तो कहता देखो ये इलाज कराने आए हो, जाँच कराने की बात करते हैं। भाई जाँच करोगे तब ना पता चलेगा इलाज किसका करना है। माथा में दर्द है या पैर का एक्सरे हो रहा है, इससे कभी समाज के दर्द बीमारी ठीक होगी? बीमारी ठीक करने के लिए बीमारी का जांच सबसे पहली चीज होती है। देश चलता है तो सड़क बनाने के लिए जब टेंडर पास होता है तो पहले सर्वे किया जाता है कि कहाँ सड़क पर सड़क नहीं है, कहाँ पुल नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल जो सड़क बन रही है अयोध्या में भी बनी वो भी टूट गई, तो ये तो एक अलग बात है, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। सर्वे के बिना सड़क नहीं बनती, सर्वे के बिना कोई पॉलिसी नहीं बनती, सर्वे के बिना देश कैसे चल रहा है? सवाल जाति खत्म करने का पहला कदम जाति जनगणना है। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि किस जाति का हक किसने खाया, उसकी बराबरी होगी। किसी को ज्यादा कोई कब्जा किया है तो उससे कहा जाएगा कि दूसरे के हिस्से का मत खाइए, और जिसको कुछ नहीं मिला उसको उससे का हक मिले, बराबरी होगी, अपने आप जातियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जातिगत गैर बराबरी रहेगी तो जातियां कैसे खत्म? हाँ, यही तो डर है ना उन लोगों की। आपका निशाना संपत्ति पे है, आप बांटना चाहते हैं। संपत्ति किसकी है? हम ये जानना चाहते हैं कि देश अगर सबका है तो ऐसा क्यों है कि इस देश के बहुसंख्यक दलितों के पास जमीन नहीं है, ओबीसी के पास, अति पिछड़े लोगों के पास जमीनें नहीं है, शिक्षा नहीं है, उनके लोग कुलपति नहीं है, उनके लोग सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, उनके लोग सेक्रेटरी नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, तो आखिर देश कौन चला रहा है? अगर देश सब लोगों का हिस्सा है तो क्या इस देश के 90% आबादी जनगणना रजिस्टर में दर्ज किए गए आंकड़े मात्र हैं, या वो भी इंसान है? और अगर इंसान है तो अमृतकाल के भारत में उनको कितनी जगह मिली, कितना? हमारे यहाँ तो नारा चलता था ना, सन सोपाने बाली घाट पिछड़ा पावे 100 में 60। तो बाद के नारे क्या हुए कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन 90 भाग जिसकी आबादी उसका होगा ना, तो वो रिसोर्सेस को छीन करके किसी को देने की बात नहीं है। पहले एक्सरे तो कर लो, फिर पॉलिसी बनाना। मंडल कमीशन कहता है कि समानता केवल समान लोगों के बीच लाई जा सकती है, असमान लोगों को समान लाने के लिए असमान नियम बनाने होंगे। जाति जनगणना इस देश की सबसे बुनियादी जरूरत है, जो बताएगी कि किसने किसका हक खाया है। अरे ये जो एक आखिरी सवाल, जो राजनीतिक अछूत और सामाजिक अछूत
मुसलमानों को बनाया जा रहा है, जो लोग सेकुलरिज्म का हवाला देती हैं जो पार्टियां, वही बैकफुट पर नजर आती हैं जब संविधान बचाने की बात आती है, और कई सारे उदाहरण हमारे और आपके सामने हैं। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव होगा कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो हमारे हिंदू वोट कंसोलिडेट नहीं होंगे, शायद पॉलिटिकल पार्टियां इस नैरेटिव में जाने से बचती होंगी। मुझे लग रहा है कि बोलना पड़ेगा, इस लिहाज से बोलें कि संविधान जो हक और अधिकार देता है, संविधान को आगे रखें। अगर उस अधिकार पर हमला किसी मुसलमान पर, दलित पर, पिछड़े पर, आदिवासी पर, महिला पर, गरीब पर, किसान पर हो रहा है, तो संविधान आगे लेकर के आपको उनकी आइडेंटिटी पर बात करनी चाहिए। और ये बात बचाना चाहिए कि बस एक फ़र्क ये होता है कि RSS चाहता है कि हिंदू बनाम मुसलमान पर ही बात हो, हिंदू बनाम मुसलमान पर। हम ये कहते हैं कि जो गरीब है, कमज़ोर है, अब पेट्रोल अगर 100 रुपया लीटर मिल रहा है तो गरीब मुसलमान को भी मजबूरी में वही लेना पड़ रहा है, हिंदू को भी लेना पड़ रहा है। शिक्षा बिक रही है, प्रोफेसर नहीं है, शिक्षा महंगी हो रही है, तो उसका नुकसान हिंदू मुस्लिम गरीब सबको है, एक जैसा है। तो मुझे लग रहा है पॉलिटिकल पार्टियों को ये बात समझनी होगी कि अन्याय कहीं भी हो, किसी के साथ हो, उसके साथ खड़ा होना मुझे लग रहा है कि संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया के लिए सबसे बुनियादी शर्त है। और हम अपने साथ के आखिर में केवल ये बात कहूँ कि राष्ट्र बनता कैसे, भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीरों से ही राष्ट्र नहीं बनता, वहाँ के लोगों से बनता है। और अगर वहाँ के लोग अपनी पहचान के नाम पर शिकार किए जाएंगे तो उस राष्ट्र का साझा सुख और साझा दुख से हम एक नागरिक होते हैं, वरना हम कौन से भारत में हैं। हिंदू राष्ट्र का दावा करने वाले हिंदू गाँव तो नहीं बना पाए आज तक। पिछले दिनों विश्वकर्मा पूजा हुई तो विश्वकर्मा लोग मनाए, फिर चौरसिया सम्मेलन चौरसिया करेगा, शिव दयाल सिंह चौरसिया, उनको याद करेंगे चौरसिया समाज के लोग। हर जाति का भगवान बना दिया, हर जाति का त्यौहार बना दिया, हर जाति में अलग अलग लोग हैं, भगवानों की जाति इन्होंने बनाई, मंदिरों में इनके पुजारी बैठे। तो ये हिंदू होने का कोई छलावा जो है, SC ST OBC लोगों के हक की बात ना हो इसलिए किया जा रहा है। दुश्मन चाहिए तो मुसलमान बना दिया। अरे भाई, गरीब मुसलमान उतना वहाँ भी परेशान है और यहाँ भी है। एक शेर किसी ने कविता बहुत अच्छी लिखी थी कि इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। तो इंसान पर बात हो, इंसान को इंसान के बराबर समझा जाए, मुझे लग रहा है यही राजनीति का तकाजा होना चाहिए। हमारे जैसे लोग जो सामाजिक काम करते हैं उनका भी ये तकाजा होना चाहिए, और यही मनुष्य होने की फितरत है। सर, समाजवादियों के मंच पर आप ज्यादा जा रहे हैं, क्या फ्यूचर में क्या जाएंगे समाजवादी पार्टी में? आप बाबा होता तो पर्ची बना के इसका जवाब दे देता। कुछ चीजें वक्त के गर्त में होती है, जिनसे हमारा विचार मेल खाएगा। न्यूनतम सहमति पर जो हमें याद करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता। वरना अगर प्योर खोजेंगे तो कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां कोई प्योर बचेगा, फिर वो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और फिर नारा लगाएंगे कि 100 में 90 हम हैं। इसलिए न्यूनतम सहमति का वक्त है, जहां विचार मेल खाएगा उसका साथ। समाजवादियों से विचार खाएगा मेल? अब इसके लिए अलग से क्लास पूरी लेनी होगी, मेरा YouTube चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। जैसे SC समाज आता है हिंदुओं में, लेकिन मुसलमानों में जो SC से भी ज़्यादा गरीब तबके में हैं, लेकिन उनमें जनरल और OBC कैटेगरी है। जब जिसकी जितनी जनसंख्या उतना हक मिलेगा, तो मुसलमानों को SC कहाँ से दिलाया जाएगा, वो हक कहाँ से? ये एक अलग सवाल है जिस पर बैठ के बात हो, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के लोग बैठ कर बात करें। थैंक यू सो मच।